ग्राउंड की जिस तरीके से सजावट नजर आ रही है, मैच की शुरुआत होती भी, खेल की शुरुआत इस बार देखिए एक रन, और इसी एक रन के कारण टीम का खाता खुल चुका है। एक तरफ मसला की टीम है, दूसरी तरफ आप देख सकते हो स्ट्राइक पर विकास, नॉन स्ट्राइक पर अब बल्लेबाजी के लिए स्ट्राइक पर होंगे देखिए साबिर और विकास की जोड़ी है बीच मैदान के अंदर। गेंदबाजी पर गेंदबाज आ चुके हैं विलास, तीन रन हो चुके हैं, तीन गेंदे तीन रन, बॉल टू बॉल स्कोर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस बार देखिए स्टेप आउट होकर खेलने की कोशिश, इनसाइड आउट जिस तरीके से आप देख सकते हो गेंद को आउट स्विंग कराते हुए गेंदबाज, जिस तरीके से गेंद को पीछे रखा था मोबिन सर, सही टप्पा था गेंद पर और विकेट मिला है, पहला विकेट पहला झटका। देखिए अब जाते हुए नजर आ रहे हैं मया, स्ट्राइक पर मया, दो गेंदों का खेल इस ओवर की और अंपायर से अपील हो रही है विकेट। देखिए बैट्समैन आउट हो चुका है, अब इस ओवर की आखिरी गेंद आना बाकी है। आदिल भाई, अमोल, इनकी तरफ भी मैच के इनिंग होने के बाद कैमरा आना चाहिए, जिस तरीके से ये आप देख सकते हो, देखिए कैमरा की तरफ देखिए आदिल भाई, बिल्कुल हाथ करिए, ये मुगल टीम के मैनेजर है, जिस तरीके से इसके बाद एक मैच होगा, कोच भी है, क्या बात है, मैनेजर के साथ साथ कोचिंग का भी काम करेंगे। टीम का स्कोर हो चुका है तीन रन, एक ओवर का खेल खत्म हो चुका है, एक विकेट का नुकसान भी हुआ है। दो विकेट माफ करना, ओ इस बीच देखिए कवर रीजन में खेला एक रन, दूसरी ओवर जारी है, टीम का स्कोर हो चुका है चार रन, एक गेंद चार रन। दोनों टीम के एक्स्ट्रा प्लेयर मसला और आरआरडी, देखिए वाइड गेंद थी, ओ इस भी देखिए ये विकेट जाएगा। देखिए आरआई साहब जो बल्लेबाजी कर रही है टीम, वो आरआरडी की टीम है, लेकिन जिस तरीके से अपना प्रदर्शन दिखा रही है, कुछ खास काम नहीं दिखा पा रही है बल्लेबाजी में। कामिल सरगुरे इनका भी सैकुले, कामिल सैकुले इनका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। कामिल सैकुले प्लीज, कामिल सैकुले साहब आपका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, वेलकम कहते हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूं आपके लिए नशीस काली है, ऊपर आ जाइए, बिल्कुल आ जाइए आ जाइए, ते दिल से स्वागत है आपका। देखिए गेंदे हो चुकी है चार गेंदे और छह रन, इस बार देखिए डॉट बॉल, कोई रन नहीं। किसके
कामिल सैकुले, इनका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। मैं इनसे गुजारिश करता हूँ स्टेज पर आ जाइए। और इस बीच देखिए कामिल सैकुले साहब, आपका तहे दिल से हम स्वागत करते हैं अयान बॉयज के इस टूर्नामेंट में। बिल्कुल टीम का स्कोर 8 रन। बिल्कुल पहली ओवर में 3 है आरआई साहब, 2 विकेटों का नुकसान भी हुआ है, 3 विकेटों का नुकसान। पहली ओवर की अगर बात की जाए तो 2 विकेटें जा चुकी थी और दूसरी ओवर में देखा जाए तो 1 विकेट भी जा चुका था, जिसकी वजह से अब तक टीम के बिल्कुल मोहसिन के ऊपर पूरा दारोमदार है आरआरडी का खिलाड़ी, क्योंकि बॉक्स क्रिकेट में काफी अच्छा खेल सकता है, क्रिकेट का प्रदर्शन दिखाता है, क्योंकि रन नहीं हुए अब रन बनाने पड़ेंगे। ओ इस बार भी देखिए अपना विकेट गवाया आरआरडी का खिलाड़ी, मोहसिन का भी विकेट जाता हुआ। बिल्कुल मोहसिन से उम्मीदें भी थी, जिस तरीके से आरआई साहब ने कहा कि टीम को भी उनकी जरूरत थी और उनको भी खेलने की जरूरत थी टीम के लिए, लेकिन वो खेल नहीं पाए, अपना विकेट गवाया। बिल्कुल जिस तरीके से फुल पिच के खिलाड़ी है, इसीलिए तो कल जिस तरीके से हरीश डिगेकर ने कहा बिल्कुल सही बात थी कि ये बॉक्स क्रिकेट इतना आसान नहीं होता है, आपको टेम्परामेंट अच्छा रखने की जरूरत है, फुटवर्क अच्छा होना मांगता है और साथ ही साथ जिस तरीके से आपका जो बॉडी बैलेंस है वो भी होना मांगता है, आई हैंड कॉन्टेक्ट अच्छा होना मांगता है, तब आप मुकाबले के अंदर कमबैक कर सकते हो, अच्छे स्ट्रोक लगा सकते हो, आपकी गेंद के मेरिट से हिसाब से खेलना पड़ेगा। इस बार देखिए टीम का स्कोर हो चुका है 9 रन। तीसरी ओवर प्रगति पथ पर इस बार फारूक सर का इशारा था कि ये वाइड गेंद है, टीम का स्कोर डबल फिगर में 10 रन। वो इस बार देखिए 4 रनों की कोशिश कर रहे थे बनाने के लिए, लेकिन अच्छी फील्डिंग वहां पर, बहुत ही अच्छा क्रिकेट का नजारा पेश किया है फील्डर ने। नाम क्या है तुझे? देखिए सूरज की अच्छी फील्डिंग, वो इस बीच देखिए ये 1 रन, सूरज अच्छी फील्डिंग करते हुए नजर आ रहा है टीम के लिए, 3 रन फिर से एक बार बचा है, टीम का स्कोर हो चुका है इसी 1 रन की वजह से 12 रन। इस बार देखिए अच्छा स्ट्रोक लगाने की कोशिश, गेंद जाएगी सीमा पार 4 रनों के लिए, एबीपीएल चौकार। देखिए मया स्ट्राइक पर है, गेंदे हो चुकी है इस ओवर की, इस बार 1 रन आ चुका है। तीन ओवरों का खेल खत्म हो चुका है, टीम का स्कोर हो चुका है 17 रन। सत्रह टीम का स्कोर हो चुका है। बॉलर का नाम बबलिया और ये 4 रन, इन्हीं 4 रनों की वजह से टीम का स्कोर हो चुका है 21, 21 रन। गेंदबाजी पर बबलिया फिर से एक बार मैया के लिए गेंदबाजी करेंगे, डाउन द विकेट। ओ इस बार देखिए स्टेप आउट होकर बैट्समैन से दूर रखने की कोशिश, लेकिन गेंद को फील्ड करते हैं जब तक, बहुत ही अच्छा एफर्ट, देखिए आखिरी समय तक जूझते रहे, ऐसा एफर्ट लगाने की जरूरत है जिस तरीके से एफर्ट लगाया गया, और ऐसे खिलाड़ी एक खिलाड़ी थे सैफुल्ला हुरजुक, बिल्कुल मुस्तकीम हुरजुक के चाचा, वो भी अपने वक्त के एक अच्छे क्रिकेटर, उनको भी भूला नहीं जा सकता है। टीम का स्कोर हो चुका है 24 रन, 24। इस बार देखिए कवर के क्षेत्र में खेला, देखना होगा 1 रन पूरा किया। बिल्कुल मुगल मोहल्ले के जिस तरीके से इमाम साहब, हाफिज इलियास साहब, मैं आपसे भी गुजारिश करता हूं, आपके लिए नशीत खाली है, आ जाइए ऊपर। हाफिज इलियास साहब हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं, आ जाइए।
अनवर डावले साहब, हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। आपसे भी गुजारिश है, प्लीज स्टेज पर आ जाइए। अनवर डावले डावरे डावरे, तहे दिल से हम स्वागत करते हैं अनवर डावरे। इसके मैच, इस मैच के बाद जो मैच होगी उसके लिए टॉस के लिए बुलाना चाहता हूं अकीब नाइन और मोगल बॉयज। मोगल बॉयज के देख सकते हैं आप, कोच यहां पर आ चुके हैं। लक्ष्य दिया हुआ है जिस तरीके से 26 रनों का। क्या बात है इस मैच के लिए जिस तरीके से अनवर साहब डावरे, जो कि डावरे डावरे वही कह रहा हूं मैं, वो जो कि जायद भाई के ससुरे भी है, मैं उनसे गुजारिश करता हूं आ जाइए, आपके हाथों से मैच का टॉस उड़ाया जाएगा। अनवर डावरे बोला ना, 25 टोटल है, 26 देखिए पहली गेंद पर 4 रन आ चुके हैं। पहले मैच में विशेष होगा हमारा, पहले बोलते हैं क्या बात है। पहली ओवर की अगर बात की जाए तो पहला ही चौका आ चुका है, पहली मैच में भी, इससे पहले वाली मैच में भी चौका मारा था पहली गेंद पर। ये देखिए जिस तरीके से ये जो बल्लेबाज चौका मार रहा है, मुझे मसला के खिलाड़ी जो के नदीम धारेकर की याद ताजा करा दे। बिल्कुल, नदीम धारेकर भी पहली गेंद पर षटका लगाने की क्षमता है उनके अंदर, और ये खिलाड़ी को नजर लग गई। आप देख सकते हो तीसरी गेंद पर विकेट जा चुका है, क्लीन बोल्ड, अच्छी कमबैक वहां पर गेंदबाज साबिर द्वारा। और उसी तरीके से जिस तरीके से टेनिस क्रिकेट का एक अच्छा खिलाड़ी, इसके बाद होने वाला मुकाबला मोगल बॉयज वर्सेस आकिब नाइन। तो मोगल बॉयज के टीम के कैप्टन ने टॉस को जीत लिया है, फैसला आना बाकी है। इसे भी देखिए फिर से एक बार साबित गेंदबाजी पर, इस बार देखिए विकेट का खतरा हो सकता था, ये क्या किया, गेंद जाती भी सीमा पार चौकार। देखिए हाथ जो स्टॉप करने के लिए एफर्ट लगा रहे थे, बाएं हाथ से गेंद को पकड़ना चाहते थे, फिर आखिर इस समय पर हाथ को पीछे लिया, जिसकी वजह से यह अच्छा स्ट्रेट ड्राइव बल्लेबाज के हक में जाता हुआ टीम का स्कोर हो चुका है 8 रन। गेंदे हो चुकी है अब तक 4 गेंदे 8 रन। देखिए टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला लिया है मोगल बॉयज की टीम ने। ओह अच्छा स्टॉप, लेकिन जिस तरीके से थ्रो किया था, 1 रन पूरा किया। इस ओवर की देखी जाए तो 5वीं गेंद पर 1 रन आने के बाद अब आखिरी गेंद आना बाकी, टीम का स्कोर हो चुका है 9 रन। एक विकेट का नुकसान भी हुआ है, एक बड़ा विकेट विलास के रूप में, जिन्होंने इससे पहले वाले मैच में भी मसला के टीम के लिए पहली गेंद पर, ओवर के पहली गेंद पर चौका लगा था उनके बल्लों से विलास के, और उनका विकेट गिरा तीसरी गेंद पर। एक ओवर का खेल खत्म हो चुका है, साबिर की अच्छी वापसी, एक ओवर का खेल खत्म होने के बाद टीम का स्कोर 9 रन, 1 विकेट का नुकसान। 26 रनों का लक्ष्य दिया है 24 गेंदों में, शाम की धुंधली रोशनी में चलता हुआ मुकाबला। अब देखिए मोहसिन गेंदबाजी पर आरआरटी का खिलाड़ी, अब देखना होगा कमबैक करने की जरूरत है मोहसिन को, अपने टीम के लिए कुछ विकेट प्राप्त करानी पड़ेगी, रनों पर अंकुश लगाना पड़ेगा, तब जाकर वापसी हो सकती है, और ये कर सकता है खिलाड़ी। एक तरफ आरआरटी की टीम, दूसरी तरफ मसला की टीम। इसी बीच राउंड द विकेट दूसरी ओवर, ओहो इस बार देखिए कवर ड्राइव देखने मिला, 1 रन आसानी के साथ, सूझबूझ वाला क्रिकेट खेला जा रहा है। 1 रन के बाद टीम का स्कोर हो चुका है डबल फिगर में 10 रन।
पहली ओवर में 9 रन थे, 1 विकेट का नुकसान हुआ था। इस बार देखिए मोहसिन की ये गेंद कारपेट के सहारे खेला गया, एब्डू नाम मिसफील, मैं आ गया हाथ से, जिस तरीके से फील्ड हुई, मिसफील्ड हुई, जिसके कारण खिलाड़ी फंबल हुए। और जिस तरीके से ये रन आ चुके हैं, 14 रन, 4 रनों के बाद 2 गेंदे 14 रन। इसी बीच फिर से एक बार मोहसिन गेंदबाजी पर स्टेप आउट होकर खेलने की कोशिश कर रहे थे बल्लेबाज, लेकिन आप देख सकते हो जिस तरीके से कीपर से स्टंपिंग के रूप में विकेट हासिल करना चाहते थे और जिस तरीके से उनका हाथ लगा उस गेंद पर कोई विकेट नहीं आया, डॉट बॉल हुई। और ये जिस तरीके से चौथी गेंद होगी जहां पर 1 रन आ चुका है, टीम का स्कोर हो चुका है 15 रन। फिर से एक बार मोहसिन गेंदबाजी पर, 4 गेंदे 2 गेंदों का खेल बचा हुआ। ओ इस बार देखिए अंपायर का इशारा आ चुका है, ये 9 बॉल यानी 9 की वजह से 1 रन मिलता हुआ, टीम का स्कोर हो चुका है 16 रन 16। अब जीतने के लिए राशिद भाई 6-10 रनों की जरूरत है बैटिंग वाली टीम के लिए। इस भी देखिए माया की अच्छी फील्डिंग, जरूर 1 रन से नहीं रोक पाएंगे, यानी जिस तरीके से मसला की टीम, और रनों की अगर बात की जाए तो मसला की टीम का स्कोर हो चुका है 17 रन। दूसरी ओवर की आखिरी एक गेंद आना बाकी थी और इसी भी देखिए कवर ड्राइव देखने मिला, 2 ओवरों का खेल खत्म हो चुका है, टीम का स्कोर हो चुका है 18 रन। देखिए 12 गेंदों का खेल जीतने के लिए 8 रनों की जरूरत, मुबीन सर अब मैच में मजा आ सकता है। ओह कमाल का कैच, देखिए खूबसूरत कैच पकड़ा है जिस तरीके से फील्डिंग वाली टीम के खिलाड़ी। माया जिसने वो कैच पकड़ा उस फील्डर का नाम बेटा बॉलर कौन है? जमीर, क्या बात है, बहुत ही अच्छी कैच। और अब 11 गेंदों का खेल जीतने के लिए 8 रनों की जरूरत, फिर से एक बार देखिए ओवर द विकेट से गेंदबाजी करेंगे, देखना होगा, माफ करना लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट से गेंदबाजी। और इस बार देखिए ये गेंद पकड़ गए, और इस भी देखिए ये 1 रन, और इसी 1 रन के कारण टीम का स्कोर हो चुका है 20 रन। और ये 1 रन टीम का स्कोर 21, 21 रन गेंदे हो चुके हैं सर, 4 गेंदे 2 गेंदों का खेल इस ओवर की बचा हुआ है और 1 रन पूरा किया है बल्लेबाज ने, टीम का स्कोर 22 रन। लास्ट बॉल ना, 7 गेंदे और 4 रन की जरूरत, और इस बार ये वाइड गेंद, टीम का स्कोर हो चुका है 23 रन, जीतने के लिए 3 रनों की जरूरत, 7 गेंदों का खेल है और जीतने के लिए 3 रनों की जरूरत। ओ इस बार देखिए अंपायर का इशारा, वाइड गेंद, 9 बॉल। एक सर 2 डिसीजन पहले कर भी कर चाहिए, एक तुम ये जगह जाए, ए आकी मुस्लिम से बैठे हो जे सर, मुझे उधर बैठे हां ये 2 दिन। और देख सकते हो आप 1 रन, स्कोर हो चुका है टीम का 25 रन। एक रन की जरूरत है। एक रन की जरूरत है, देखना होगा, काफी अच्छी तरीके से देखिए आ रहे साहब
फसी भाई हजरत आराई के लिए चाय लेकर आए काली वाली। बैट से आया हुआ रन है तो मैच खत्म हो गई, 25 रन हुए थे, 26 रन खलास खत्म। हजरत आराई साहब, आपको कहते चलूं कि मैं जो अक्सर कहता हूं ना कि विंटर के मौसम में, सर्दी के मौसम में स्ट्रॉबेरी खाने का मजा कुछ और होता है, कुदरत ने बनाया हुआ जो फल है और जिस तरीके से कुदरत के करिश्मे से वो जो फल खाने का मौका मिलता है, मजा आता है स्ट्रॉबेरी, और जिस तरीके से गर्मी के मौसम में आम खाने का मजा कुछ और होता है और बरसात के मौसम में पकौड़े खाने का मजा कुछ और होता है, तो उसी तरीके से सीजन जाते रहते हैं और क्रिकेट का भी सीजन उसी तरीके से आ रहा है साहब, होते रहते।